कहता हूँ कि ऑल इज ओवर हेयर, सब कुछ हमारे माइंड से ही होता है। ऐसी एक कहानी मुझे जानने को मिली, उसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जानना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप हो कि नहीं? यस यस। तो फ्रेंड्स, विकास शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो कहानी इस तरह से है कि एक 51 ईयर्स की ओल्ड लेडी है, मॉर्निंग वॉक पर रनिंग करते हुए दिखाई देती है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, रेगुलर। और एक किलोमीटर नहीं, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर पर दौड़ रही है। तो पहला तो डेली, अब पहला रीजन यही मन में आया होगा कि 50 इयर्स में जाकर इतनी ज्यादा हार्ड वर्कआउट करने की क्या जरूरत है। तो क्या जरूरत हो सकती है उसे? क्या वो आजकल की यंग लेडी को देखकर उनकी जैसा ब्यूटीफुल बनना चाह रही होगी? मेबी। या फिर सुंदर तो सभी को बनना होता है, मेबी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। या फिर वो अब मिरर में खुद को देखती होगी कि मेरी अब हेल्थ पहले जैसी नहीं है, अब उस माइंड में स्पार्क आया हो कि मुझे अपनी हेल्थ को दोबारा से गेन करना है, तो इसलिए मुझे फिटनेस की जरूरत है। ये भी हो सकता है। या फिर कोई उसका कोई इंपॉर्टेंट डे आने वाला हो, उस डे की तैयारी कर रही हो वो। कोई भी रीजन हो सकते हैं। इसके पीछे का सही रीजन ये है कि जब 3 महीने कंटिन्यूअस उसने इतना हार्डवर्क किया, इतनी रनिंग की 20 किलोमीटर लॉन्ग की, उसने 20 kg वेट रिड्यूस किया और पहुंचती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कहती है, क्या मैं अब तैयार हूं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए अपने बेटे को। एक्चुअली उसके बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उसके वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि एक तो जल्दी क्विक है, अर्जेंसी है और हमें एक किडनी चाहिए जो उसकी, आपकी किडनी सुटेबल तो है पर अभी आप डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि आपका वेट बहुत ज्यादा है। तो वो लेडी इस तरह की थी, अपनी फूड हैबिट्स वो चेंज किया जो किसी आदमी के लिए उसने शायद नहीं करना चाहेगी कोई भी लेडी, पर अपने बेटे के लिए उसने ये सब पेन लिया, अपने आप में वो चेंज लाया, ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को और आज वो रेडी है और उनका अपनी मिसेज बेंग नाम है उनका, वो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करती हैं और अपने बेटी को एक नया जीवन दान देती हैं। तो सोचिए 51 ईयर की उम्र में 20 kg वेट रिड्यूस करना, वो भी 3 महीने के अंदर, तो ये एक इम्पॉसिबल सी कहानी है नहीं है? सही बात है, अपने आप में एक इम्पॉसिबल सी कहानी है ये, बिल्कुल ये ट्रू स्टोरी है। तो ये हमें इंस्पायर करती है कि हम भी जो अपने ड्रीम्स हमने लेके रखे हैं, पाल रखे हैं, उनको चेज करते चलें, परेशानी आएंगी। आना स्टोरी आपको कैसी लगी? और ये स्टोरी आप लोग अपने तक मत रखिएगा, ये स्टोरी अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मे बी इस स्टोरी से उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज आए। सो मिलते हैं आपसे कल किसी और नई स्टोरी के साथ या किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, विकास शर्मा एजुकेशन पे, और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।